हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी कनेक्ट करो, जल्दी जल्दी। गुड मॉर्निंग विशाल, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। फटाफट से कनेक्ट कर जाओ, जल्दी जल्दी। स्टार्ट करें, हम लोग ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। गुड मॉर्निंग अरुण, अंकित, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये हम ऑलरेडी कर चुके थे कि बायोलॉजी क्या होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, इसकी दो ब्रांच होती हैं, जूलॉजी एंड बॉटनी। प्लांट्स की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, एनिमल्स की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। वेरी गुड मॉर्निंग भैया। हमने जिसमें पढ़ा था एक बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी क्या होता है, कैसे बनती है, ये मैंने आपको पूरा बताया था। 13.8 बिलियन ईयर्स पहले हमारी अर्थ बनी थी, ठीक है। एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, बहुत बड़ा धमाका हुआ, जैसे बैलून फूटता जाता है, फाइनली फट जाता है। इसी तरीके से यूनिवर्स फट गया और हमारा यूनिवर्स बन गया। इस तरीके से हमारा जो अर्थ था वो फटा और उससे हमारा क्या हुआ, यूनिवर्स बन गया। इस तरीके से एटम बना, पहला एटम फॉर्म हुआ। फिर 1.36 बिलियन ईयर्स अगो मिल्की वे गैलेक्सी फॉर्म हुई। ये सबको पता है, हमारी जो गैलेक्सी उसका नाम बोलते हैं, यानी कि हम लोग बोलते हैं आकाश गंगा हिंदी में, ठीक है। वो बन गई धीरे धीरे, हमारा सन बना। सन क्या है बेटा, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस से मिली हीलियम बना, H1, 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 H1,
तो हमने हमारा सन मिल गया, सन इज सो हॉट। अब इसने क्या करा, प्लैनेट बनाना शुरू किया। हमारा जो प्लैनेट पहले था वो इस तरीके से था, इतना गर्म, बहुत गर्म। फिर धीरे धीरे यहाँ बारिश होने लगी, बारिश हुई तो इवैपोरेशन हुआ, इवैपोरेशन हुआ तो अर्थ बनी, अर्थ ने अपना खुद का मून बनाया। फिर पानी, पानी आया सबसे पहले, तो पानी में रहने वाले जीव बनने लगे। सबसे पहले कौन आए, जेली फिशेस, स्पॉन्जेस आए थे। एक्चुअली स्पॉन्जेस भी इसका एक एग्जांपल है। धीरे जिंदगी बाहर आने लगी पानी से, जानवर बढ़ने लगे, डायनासोर्स आ गए। गुड मॉर्निंग कुलदीप, हाँ काश गंगा क्यों नहीं बनेगा, इलेक्शन तो बनेगी ना। फिर हम टकराए बहुत सारी चीजें, एंड देन जो हमारे डायनासोर थे वो सब मर गए, वो मरे तो धीरे 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 इंसान की प्रजाति करना शुरू हुई। ये हमारे भाई हैं, चाचा मामा ताऊ के बेटे। Yeah.
ओके कुलदीप। इस तरीके से धीरे 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 क्या हुआ, अर्थ बनी, पानी बना, पानी से धीरे 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 जमीन आने लगी एंड फाइनली हम लोग बन गए। पहले बंदर भी आए थे। अब बंदर कौन होते हैं भाई? बंदर हमारे पूर्वज होते हैं। हमारे पूर्वज मतलब हमारे दोस्त, यानी आपको पहले ही बताया था। ये सारी चीजें क्या होती है ये सब हम पढ़ चुके हैं। बायोडाइवर्सिटी हम लोग पढ़ चुके हैं कि भाई बायोडाइवर्सिटी क्यों होती है, ये कैसे कैसे काम करती है, फिर क्या बनता है। बायोडाइवर्सिटी तीन टाइप की होती है, स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी एंड आपका इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। फिर हमने इनके इन सब के बारे में पढ़ा था कि जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी कैसी होती है, स्पीशीज कैसी होती है एंड इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी कैसी होती है। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं सारा, ठीक है। मैंने आपको बताया था बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, मैंने आपको बताया था कि इंडिया जो है, इंडिया एक भारत एक बहुत सक्षम राज्य है बेटा। इसी वजह से इंडिया पर इतने लोगों का अटैक हुआ कि हमारा जो खुद का कल्चर है वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है। हमारा जो खुद का कल्चर है भाई, इंडियंस कैसे थे, हिंदुस्तानी लोग कैसे थे, किस तरीके से होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग सब तबाह कर चुके हैं क्योंकि हम लोग इतने अटैक्स में हैं। अरे 200 साल तो अंग्रेज़ों ने हमारा सब कुछ नष्ट कर दिया, उससे पहले इतने अटैक्स हुए इंडिया पर कि इंडिया का खुद का कल्चर बचा ही नहीं है। मिक्स्ड कल्चर है, सब मिल जाएंगे आपको इंडिया के अंदर। क्यों? क्योंकि इंडिया इज रिच इन हैबिटेट। घंटे दो घंटे की दूरी पर जा करके हमको क्या मिलता है, बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी देखने मिलती है। टेम्परेचर वेरिएशन होने की वजह से बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। क्यों भाई, नेवी में क्यों जीडी नहीं होगा? बिल्कुल होता है। अब बायोडाइवर्सिटी को पहचानने के लिए इस पे कौन से फैक्टर्स होते हैं? सबसे पहले फैक्टर होता है भैया हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन क्या मतलब होता है? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन भैया, हम क्या करते हैं, इनके जाकर के जंगल के अंदर शेर रहता था, हमने जाकर पेड़ जला दिए। अब पेड़ किस लिए जलाए? शेर नहीं मरा सिर्फ, पेड़ों पर रहने वाले पक्षी भी मरे, ईगल खत्म हो गई, धीरे 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 ईगल्स नष्ट होने लगी, तोते मरे। जैसे अभी आपने देखा तो ऑस्ट्रेलिया में आग लग गई थी, तो वहाँ पर रहने वाले एक स्पेशल प्रजाति जिसको हम लोग क्वाला ब्रदर्स कहते हैं, वो वहीं रहती है, वो सिर्फ वहीं मिलती है, एंडेमिक स्पीशीज है, नष्ट हो गई। फिर अब क्या करना पड़ा, इसको बचा के रखना पड़ा, इसके लिए नेशनल पार्क्स बनाने पड़े, ठीक है। दूसरा होता है जीएमओ। जीएमओ इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, आप लोगों ने इतने बड़े बड़े अमरूद देखे, इतने बड़े बड़े अमरूद बनाते हैं गुआवा। आजकल क्या आ रहा है बेटा, गुआवा और पियर दोनों को मिला देते हैं। बाहर से तो गुआवा है, अंदर से पियर है, ठीक है। बेटा आपके गांव में है, हमारे यहाँ पर भी है, पर काम है। अब हम लोगों ने पेड़ जला दिया तो नष्ट करा ना उसको, ठीक है। एसपी क्रिएशन, गुआवा और पियर यानी कि अमरूद और नाशपति को मिला दिया, एक बड़ा अमरूद बन जाता है, दिखने में अमरूद है, खाने में नाशपति है। तो ये जो प्रजातियां हम लोग बनाते हैं दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड। आपने गोल्डन राइस सुना होगा, गोल्डन राइस बनाया जिसमें विटामिन ए हमने बहुत रिच डाला। ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस ईयर में कराया था, आया था ये क्वेश्चन, ये हम कर चुके हैं। फिर होता है पॉल्यूशन। भाई पॉल्यूशन से भी ये लोग खत्म होते हैं, मरते हैं। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, जब ग्लोबली, अब देखो भैया इतना ज़्यादा हमने ग्लोबल वार्मिंग कर दिया है कि हर जगह आग लगती है। अभी तो पता है मौसम फिर अच्छा है, नहीं तो गर्मियों के अंदर आप देखना पूरे के पूरे जंगल के जंगल जलते हैं। कैसे जलते हैं? पानी पड़ जाता है आकर के, सूरज की रोशनी पानी पे पड़ती है, पानी से पत्तों पे पड़ती है, सूखे पत्तों में आग लग जाती है। डीसेट्रिफिकेशन, सेट्रिफिकेशन मतलब होता है आपका एटमॉस्फेयर, जलवायु, जलवायु में परिवर्तन आना। पॉपुलेशन ग्रोथ,
बढ़ जाना भैया, एक पॉपुलेशन पर्टिकुलरली बढ़ जाना, किसी चीज़ का कंजम्पशन हो जाना, भैया आप सिर्फ खाए जा रहे हो मुर्गी 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 खाए जा रहे हो, आप जो मुर्गी को खाता है वो भी तो मर जाएगा। बिल्कुल सही अरुण अरुण जी, टोमेटो भी इसका एक एग्जाम्पल है बेटा GMO का। हाँ, अनसस्टेनेबल यूज ऑफ अनसस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, भैया भगवान ने हमको इतनी सारी चीजें दी हैं, भगवान ने ला करके बोला कि भाई तू सब कुछ यूज कर, पर हम इसको इतने गंदे से यूज कर रहे हैं कि हमने आज ही सब कुछ नष्ट कर दिया। हम कर तो रहे हैं, ऑयल पेट्रोलियम हम धीरे धीरे नष्ट कर चुके हैं। इससे क्या होता है बेटा, अगर आप एक प्रजाति को मार रहे हो, इससे तीन प्रजातियां नुकसान में जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, चूहे को खा लिया बिल्ली ने, बिल्ली को खा लिया कुत्ते ने, चूहा बिल्ली कुत्ता, ठीक है, खा लिया इसको, ठीक है। अब अगर हमने सिर्फ बिल्ली को मारा, कुत्ता भूखा मर जाएगा, चूहे की आबादी बढ़ जाएगी, समझे? तो हम लोग एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, बोलते हैं भैया हम तो पौधे नहीं खाते, या कुछ बोलते हैं भैया हम तो सिर्फ एनिमल्स ही खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, हम तो सिर्फ एनिमल्स ही खाते हैं। अरे भाई एनिमल्स तो प्लांट खाते हैं ना आप, हाँ या ना, डिपेंड तो पौधे पर ही कर रहे हो। बड़ा थ्रेट, सबसे बड़ा खतरा क्या है हमारी जैव विविधता को, बायोडाइवर्सिटी को, दैट इज हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। जब हम अपने हैबिटेट को मार रहे हैं, हैबिटेट को कैसे मार रहे हैं भैया, हम लोग पेड़ काट दे रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, बहुत सारा प्रेशर लग रहा है, पॉपुलेशन बढ़े जा रही है, ये सारी चीजें क्या है भैया, हमारी बायोडाइवर्सिटी को खतरा है। चीजें बढ़ती जाएंगी भाई, आप पॉपुलेशन बढ़ाते जाओगे, क्या होगा पॉपुलेशन बढ़ाने से, आप क्या करोगे, पेड़ काटोगे, जंगल खत्म करोगे, घर तो बनाओगे ही, जंगल खत्म करोगे आप, एनीवेज किसको मार रहे हो, जानवरों को। वेरी गुड मॉर्निंग शिव एंड सुरेंद्र। एक होता है हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन भैया, ह्यूमन एक्टिविटी, सबसे जो नलायक है ना वो इंसान है, क्या करेगा, टावर लगा देगा। हम 2G नहीं, हम 4G ला रहे हैं, 4G नहीं, हम 5G ला रहे हैं, इतने बड़े बड़े टावर लगा रहे हैं, क्या हो रहा है इससे, धीरे 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 सारी प्रजातियां नष्ट होती जा रही है। राइट नाउ, बिल्कुल प्रेजेंट के टाइम पर अगर आप मेट्रो सिटीज में देखो, दिल्ली शहर में देखो, मुंबई में देखो, तो आपको चिड़िया नहीं मिलेगी। आपको चिड़िया खत्म हो गई है, चिड़िया है ही नहीं हमारे पास। हाँ गांव में जरूर है, आप लोग जितने लोग गांव में रहते हो आपको मिलती होगी, मिलती है ना, आप लोगों ने देखी होगी, जब मैं छोटी हुआ करती थी तो मैंने देखी थी, पर आगे जब अभी छोटे बच्चे आ रहे हैं इनको पता ही नहीं चिड़िया होती क्या, देखी नहीं, आई नहीं, कहाँ देखेंगे, पर आप लोगों ने जरूर देखी होगी चिड़िया क्या होती है। तो इससे हम क्या करते हैं, सिर्फ एक, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, हाँ हाँ 2.0 रोबोट, यस, आप लोग सबके साथ मूवी निकाल लाते हो ना, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि भाई हमने टावर्स लगा दिए, इसके अलावा हम बहुत कुछ करते हैं, कुएं हमने खत्म कर दिए, पानी का लेवल आज इतना ज्यादा डाउन है पूछो मत, हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं, अरुण अगर बाहर निकलेंगे ना तो भी चिड़िया नहीं दिखेगी, आज सिर्फ कबूतर दिखता है, मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये भी नहीं दिखेंगे। इसीलिए तो बोलते हैं गांव की लाइफ परफेक्ट लाइफ, बेकार है दिल्ली शहर में रहना। पॉल्यूशन, पॉल्यूशन क्या है भैया, सबसे बड़ा पॉल्यूशन है फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर मतलब क्या होता है, खाद। आप लोग कितने लोग हो जिनके खुद के खेत हैं, आप में से कितने लोग हैं जिनके खुद के खेत हैं,
अरे गांव में हर जगह मिलेंगे, चाहे बिहार चल जाओ, चाहे यूपी चल जाओ, चाहे हरियाणा चल जाओ, यही नहीं मिलता कुछ। अरविंद जी आप मुझे व्हाट्सएप कर देना बेटा, मैं भेज दूंगी आपको। एंड राजस्थान इज एक्चुअली बहुत ब्यूटीफुल। अभिषेक, दिवेश, बुलेश, आप लोग के सबके पास वो है, खेत है बेटा। खेत में आप लोग जब खाद डालते हो तो बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट केमिकल जो पौधों के लिए चाहिए होता है वो क्या होता है? सबके पास है। और बताए हम जैसे लोग खेती नहीं देखे आज तक, गाँव ही नहीं देखे हम लोगों ने आज तक। हम नहीं किए थे, सिर्फ आप ही तो किए थे बेटा। अगर कभी भी आपको लगता है कि मैं, पता है उस वाले पेज पर ना एक, मतलब उस वाले व्हाट्सएप पर एक दिन में 1000 से ऊपर मैसेज आते हैं, तो अगर आपको लगता है ना यार मैं रिप्लाई नहीं कर रही हूँ, तो बच्चा मुझे रात को 10 बजे के बाद एक बारी वॉइस कॉल कर दिया करो, ठीक है बेटा। गोबर के डालते हैं? नहीं बेटा, ये मैं समझ गई खाद डालते हो, पर मुझे ये बताओ कि उस खाद में आप बेसिक किस चीज के लिए डालते हो, क्या केमिकल उसके अंदर डालना होता है हमको? बेटा मेरा कोई गांव नहीं है, मेरे मम्मी पापा सब दिल्ली, मेरा कोई गांव नहीं। अभिषेक, देवाशीष, देवेश, ये लिख दिया बेटा। बेटा हम लोग जो केमिकल का इस्तेमाल करते हैं दैट इज यूरिया, हम बेसिकली यूरिया के लिए खाद का इस्तेमाल करते हैं। जब हम नाइट्रेट बोलो आप, यूरिया बोलो शैलेंद्र, जब हम खाद खुद की बनी हुई, खुद की गांव में बनी हुई खाद को डालते हैं तो बेटा उसमें सब कुछ मिल जाता है। उसमें यूरिया होता है, उसमें नाइट्रेट होता है, उसमें सब कुछ होता है, अमोनिया होता है, सब कुछ होता है। पर जब हम बाहर से ला करके डालते हैं बेटा, उसे फर्टिलाइजर बोलते हैं। ये फर्टिलाइजर बहुत हार्मफुल होते हैं और ये हमारी मिट्टी को ही नष्ट कर देते हैं, खराब कर देते हैं, ठीक है। दूसरा होता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब आप वाइल्ड लाइफ का इलीगल इस्तेमाल कर रहे हो। भाई गवर्नमेंट बोलती है हिरन नहीं मारना, मार रहा हूं। गवर्नमेंट बोलती है कि भाई आप लोगों ने पेड़ों को नहीं काटना, काटते हो। शेर नहीं मारने, मारेंगे, कपड़े निकालेंगे, उसकी खाद के कपड़े बनाएंगे। ये सब काम है बेटा जो हमारी बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं। दूसरा एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, एलियन स्पीशीज का लाना। आजकल ना इंसान खुद को भगवान समझता है, तथा आज तू हम बनावे रहे। पहले मरना और नष्ट करना किसके हाथ में था? ह्यूमंस के हाथ में, सॉरी गॉड के हाथ में। या क्योंकि साइंस है, गॉड नहीं मानती तो हम नेचर बोलते हैं, नेचर प्रकृति के हाथ में। प्रकृति क्या करती थी भैया? आप लोगों को मारती भी थी, आप लोगों को पैदा भी करती थी। कोई नई प्रजाति आ रही है तो वो आपके हाथ में नहीं है, वो भैया अपने आप बना रहे हैं। पर आज क्या करते हैं? हम बनाते हैं। हमारे पास एक घोड़ा था, हमने गधे के साथ में उसको क्रॉस करा दिया, खच्चर बना दिया। ठीक है, घोड़ा और गधे को मिलाया, खच्चर बना दिया। अब खच्चर तो नई प्रजाति है ना भाई, पहले तो नहीं होती थी, नई प्रजाति है। ये भी तो वही खाएगी बेटा जो घोड़ा और गधा खाते थे, जो गधा खाता था, जो घोड़ा खाता था, ये भी तो वही खाएगा, है ना? ये भी तो उसी की जगह पर रहेगा जहाँ ये दोनों रहते थे। अब जो जगह ये दोनों की थी, अब वो जगह तीन में डिवाइड हो गई। धीरे 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 वो जगह क्या होने लगी? शिव मुझे नहीं पता डाप किस किस वे में बात कर रहा हूं।
चलिए अब बात करते हैं डिजीज की। इससे क्या हुआ बेटा, एक एलियन स्पीशीज आने की वजह से नेचुरल प्रेडेटर्स बढ़े और फाइनली नुकसान हुआ। रिडक्शन इन हैबिटेट, अगर रिडक्शन हो रहा है हैबिटेट में, इससे पोल्यूशन बढ़ रही है और डिजीज बढ़ रही है। देखो बेटा, हमने क्या बोला, हमने बोला अरे भगवान आज तो हम करेंगे सब कुछ, आप क्या कर सकते हो। सेम पीडीएफ डाल दूं, जो पीपीटी है इसी का सेम पीडीएफ डाल दूं, ये आसान होगा डालना मेरे लिए। हाँ भैया क्यों नहीं मिलेगा पीडीएफ, सौरभ कैसी बात कर रहे हैं यार, बिल्कुल मिल जाएगा बच्चा, मुझे व्हाट्सएप कर देना, भेज दूंगी बेटा। ठीक है जी, कोई दिक्कत है, आगे चले। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई कंजर्व कैसे कर सकते हैं। कंजर्व का मतलब होता है संरक्षण, संरक्षण मतलब बचाना, हम इसको बचा कैसे सकते हैं। रीस्टोर करो यार, जो भी चीज आपने नष्ट करी है उसको दोबारा उगाना शुरू करो। अरब्बा, केमिकल की फॉर्म में बोल रहे थे। अभी आज तक आपके पास नंबर कैसे नहीं है बताना जरा, सबके पास है। बेटा टेलीग्राम पे ऑलरेडी पीडीएफ रखी है सुनील, वहां पर सब कुछ इकट्ठा होके पीडीएफ रखा ही है। लिखा तो बेटा प्रेम सागर, ये रहा, बस नाम लिख के भेजना ताकि मैं नंबर सेव कर सकूं। नाम लिखते नहीं हो, नंबर सेव होता नहीं। अब लिख ले भाई, ये लिखा ठीक है। दूसरा, एक तो ये, दूसरा बेटा क्लास का टाइम 8-9 है, बदलेगा नहीं। मंडे टू फ्राइडे 8-9 ही चलेगा, सैटरडे संडे जो स्पेशल टाइमिंग होगी आई विल इन्फॉर्म। दीपक व्हाट्सएप कर दे बेटा, बता दूंगी। अब होता है भैया पर्यावरण शिक्षा, हम लोग क्या करें भाई, इसके बारे में पढ़ाई करना शुरू करें, लोगों को बताना शुरू करें कि हाउ इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंट इज फॉर, इन्वायरमेंट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट क्यों है। क्योंकि भैया जिनको पता नहीं है वो क्या करते हैं, बैठे बैठे कोई काम नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, ज़रूरत है, बैठे बैठे पौधे उखाड़ देंगे, बैठे बैठे पेड़ काट देंगे, सब कुछ करने लग जाएंगे। स्टेटस दिख रहा है मेरा तो सेव है। अरे बाबा उसका पीडीएफ नहीं है सुनील, उसकी यूट्यूब पर वीडियोस रखी है हम प्रीवियस ईयर की बच्चे। एनएक्टिंग करना है, पर्यावरण का कानून बनाना है जो अभी हमारे पास है ठीक है, एनवायरमेंट लेजिस्लेशन का काम करना है, स्ट्रेंथ करना है, एनफोर्स करना है। दूसरा पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, सबसे इम्पोर्टेंट इज कंट्रोल द पॉपुलेशन।
पॉपुलेशन कंट्रोल होगी 90% की चीजें कंट्रोल हो जाएंगी, ठीक है। करुणेश बेटा आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग को अलाउड नहीं है अपना टेलीग्राम चैनल बताना। ठीक है, मैं एज इट इज यही पीडीएफ सब कुछ मैं सेव कर आपका डाल दूंगी टेलीग्राम पर, ठीक है मैम। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को दोबारा से शुरू करो। पता है हम लोगों के यहाँ पर क्या है, किसान अब थोड़ा सा गरीब होता जा रहा है, तो अब मतलब किसान मतलब कम पैदावार है और थोड़ा सा उसको ब्याज ज़्यादा देना पड़ता है, अब थोड़ा सा सिचुएशन अलग है। तो क्या करते हैं ना ज़्यादातर लोग, आपने भी देखा होगा जितने लोग किसान हैं, जिनके फादर लोग किसान हैं, वो सब लोग क्या कर रहे हैं, अपना काम छोड़कर बाहर नौकरियों की तलाश में भाग रहे हैं, अपना काम तो बिल्कुल छोड़ देते हैं। सरफराज आप बेटा मुझे व्हाट्सएप कर देना, क्योंकि जिस दिन जैसे ही मेरा आएगा नया आपका चैनल, मतलब जैसे संडे तक मैं आपका पूरा बना के लॉन्च कर दूंगी, जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। नंबर बेटा नंबर में व्हाट्सएप में मुझे मैसेज करना अपना नाम लिख के, ताकि मैं आपका नंबर सेव कर सकूं। दूसरा अब क्या करो यार, एग्रीकल्चर को थोड़ा प्रमोट करो, कोशिश करो भाई। अब मैंने देखा है ये ना, गांव के अंदर लोग आते हैं भाई, वो खेत से तोड़ कर किसान बाहर एक टोकरी लगा करके बैठा है कि भाई मुझसे फल खरीद लो, ठीक है मेरे से फल खरीद लो, पर फल नहीं खरीदेंगे उससे, जबकि वो मंडी से सस्ता दे रहा है, मंडी से भी सस्ता देगा, तोलेगा भी ज्यादा, पर नहीं खरीदेंगे उससे। क्यों? हमें आप पे विश्वास नहीं है। हम तो जाएंगे इतनी दूर पेट्रोल खर्च करके वहां से महंगी चीज खरीद के लाएंगे, पर साफ स्वच्छ चीज नहीं खरीदेंगे। गधे हैं हम लोग रिलायंस फ्रेश बिग एप्पल मोर से और बाहर के इंडिया से बाहर के फ्रूट्स खरीदेंगे। सेब इंडिया के अंदर बहुत अच्छा है भाई, कश्मीर हिमाचल फेमस फॉर एप्पल, एप्पल इससे बेहतर कहीं नहीं मिलता, पर इंडियन एप्पल बाहर चले जाएगा, ऑस्ट्रेलियन एप्पल इंडिया आएगा और आकर के भाई फ्रूट्स वाले बड़े बड़े फ्रूट्स बेचेंगे, इतना बड़ा बड़ा एप्पल बेचेंगे और बोलेंगे क्या भैया हमारा तो ये इम्पोर्टेड फ्रूट है। अरे क्या इम्पोर्टेंट, इंडिया में ज़्यादा बेहतर मिलता है क्वालिटी वाइज, पर हम लोग नहीं करेंगे। इसलिए प्रमोट एग्रीकल्चर, अपने इंडियन चीज़ों को भारतीय चीज़ों को खाना शुरू कीजिए। बाहर जो शादी में टोकरा बनवाएंगे या शादी के अंदर फ्रूट्स रखे जाएंगे वो इम्पोर्टेड खाने, क्या इम्पोर्टेड खाना है यार आपने, इंडियन एप्पल खराब है क्या, ज़्यादा बेहतर है ऑस्ट्रेलियन एप्पल से, पर खाना नहीं हमें, है ना। तो कोशिश करो बेटा प्रमोट इंडिया, इंडिया को प्रमोट करो, सबसे बड़ी बात एग्रीकल्चर को प्रमोट करो, जो भी किसान उगा रहा है थोड़ा सा उसको हेल्प करो बेचने में। आप लोगों के तो यार सब लोग गाँव से हैं, सब लोगों के खेत हैं, आप मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं कितना मुश्किल वो लोग अपना सर्वाइवल कर रहे हैं, इसीलिए कोई एग्रीकल्चर में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा भाई। लोग अपने बच्चों को किसान बनाने से पहले सोचते हैं हाँ तू किसान बनेगा पागल, तू पढ़ ले, तू किसान बनना गलत बात है। एग्रीकल्चर में 10,000 तरीके की पढ़ाइयाँ हैं, मास्टर्स होता है एग्रीकल्चर में, पर नहीं करेंगे, समझ आया। कंट्रोल करते हैं अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन को कंट्रोल करते हैं भैया, गाँव की चीज़ों को शहर में कन्वर्ट करते जा रहे हैं, मिट्टी देखने नहीं मिलती। पहले क्या था भाई, गाँव के अंदर मिट्टी हुआ करती थी, जितनी बारिश पड़ेगी, ये हमारा एक साइकिल था मोटरसाइकिल, बारिश पड़ेगी ज़मीन पर आएगी मिट्टी, इसको सोख लेगा, ज़मीन का पानी बढ़ जाएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे उसी ज़मीन के पानी को पी लेंगे, उसी ज़मीन के पानी को बाहर आ जाएगा, फिर वो क्या करेगा, फिर वो एवेपोरेट होगा, फिर ज़मीन पर आएगा वो पानी, तो ज़मीन पर आएगा वो जो हम लोग यूज़ करेंगे वो नाली गटर में चला जाएगा, वो धीरे 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 समुद्र में मिलेगा, समुद्र या नदियों में मिलेगा, नदियों से फिर वो वापस एवेपोरेट होगा, खारा पानी हो जाएगा, खारे को भगवान मतलब अपने आप ये साइकिल उसको मीठा करेगी, फिर ज़मीन पर भेजते रहेगी। अब क्या है भैया, पक्की सड़कें हैं, पानी एब्जॉर्ब नहीं होता, नालियों के रास्ते बारिश आई, बारिश से नाली बनी, नाली में पानी गया, नालियों के रास्ते समुद्र में गया, वो मीठा पानी ज़मीन में नहीं आ पा रहा, वो पानी ज़मीन में नहीं आ रहा, वो पानी मीठा नहीं हो पा रहा। प्राशु टी की जगह एन आएगा बेटा, बायोमेट्रिक्स नहीं बायोमेनिक्स।
एग्जैक्टली मैं भी यही बोल रही हूँ, इसलिए वापस नहीं मिलता क्योंकि हम लोग बीच के जमाखोरों को पैसा दे देते हैं। अब किसान अपना खुद बेच सकता है, गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया तो गो फॉर इट, अपने आप अपना काम करो यार, मुझे दे देना, मैं बहुत खुश हूँ। हम लोगों को ना मिलता नहीं ऐसे बिल्कुल नेचुरल खेतों में उगाई हुई चीजें, हम लोग तो सब आर्टिफिशियल खाते हैं ना। बेचना शुरू करो, आप लिख करके बेचो ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक वीट, भैया हम ऑर्गेनिक आटा बेच रहे हैं, सब खाएंगे और डबल पैसे दे के भी खाएंगे। और अगर स्टार्ट करो तो मुझे बता देना, आपकी सबसे पहली कस्टमर मैं होंगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे प्रॉपर हेल्दी फूड। टैक्सोनॉमी क्या होता है बेटा? 1.5 मिलियन स्पीशीज, 1.7 मिलियन स्पीशीज, कहां से पढ़े इसके बारे में? अरे वाह शैलेंद्र, वेरी गुड भाई, कहां से पढ़े हम लोग इसके बारे में? अब एक एक के बारे में, उसका रिप्रोडक्शन, वो कैसे प्रजनन करता है, वो खाना कैसे खाता है, वो काम कैसे करता है, बड़ा ही मुश्किल। तो हम क्या करते हैं, इसको ग्रुप बना देते हैं। बेटा आप लोगों का ग्रुप बनाया जा सकता है क्योंकि आप सब लोग एक ही उम्र के हैं, पर हम जानवरों का ग्रुप नहीं बना सकते। क्यों भैया? बटरफ्लाई यानी कि तितली कहते हो, जैसे जिंदा रहती है 7 दिन, ठीक है। अब आप बात करो टर्टल की, कछुए की, जिंदा रहता है 350 से 350 साल, समझ में आई बात? अरे अब मैं इन दोनों को सेम स्कूल में कैसे डालूं, बड़ा मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं बेटा, क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे करते हैं, उसके लक्षण कैसे हैं। दूसरा हम लोग करते हैं भैया, उसकी पहचान कैसी है, वो उभयचर है, वो रेप्टाइल है, वो सरीसृप है, वो कैसे है, वो मैमल है, वो क्या है। फिर हम उसको क्लासीफाई करते हैं, पहले उसको अलग करते हैं, फिर उसको पहचानते हैं, फिर उसका ग्रुप करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। फिर हम क्या करते हैं बेटा, उसका नाम देते हैं। नाम जो देते हैं, नोमेनक्लेचर जो होता है, नोमेनक्लेचर ऐसे ही नहीं दिया जा सकता, नाम ऐसे ही नहीं दिया जा सकता बेटा। नाम को देने के लिए एक स्पेसिफिक टेक्निक होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं बायोमेनिक्स बाय नुपुर गुला, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बाय का मतलब दो, तो नोमेनक्लेचर मतलब हम दो नाम रखते हैं, किसी भी चीज के दो नाम रखते हैं, हमारे भी दो नाम होते हैं ना। जैसे मेरा नाम है नुपुर गुलाटी, मेरा नाम क्या है भैया, नुपुर गुलाटी, तो नुपुर मेरा नाम है, गुलाटी मेरा सरनेम है ना, तो हमारे क्या दो नाम है, ठीक है। चलिए ये भाई साहब कौन है, पहचानते हो इनको? कार्लस लीनियस, जिन्होंने क्लासिफिकेशन करना इसका आइडिया दिया था, है नुपुर गुलाटी नॉमिनेचर ने नलायक अरुण। हाँ ये एक स्वीडिश में रहने वाले बॉटनिस्ट थे, इन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, यानी कि टू वर्ड नेमिंग सिस्टम दिया था कि दो वर्ड से हम किसी को पहचानेंगे, इसीलिए इनको बोलते हैं बेटा फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आ चुका है, मैं करा चुकी हूँ भाई। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं, वर्गीकरण का जनक किसे कहते हैं, कार्लस लीनियस, ये क्या है बेटा, वर्गीकरण का जनक है। 1960 के अंदर बच्चा इन्होंने स्टार्ट किया था काम कार्लस लीनियस ने, पर उस समय जो काम स्टार्ट किया था बेटा वो बायनोमियल नोमेनक्लेचर नहीं था, वो आपका वो था टू किंगडम क्लासिफिकेशन। इसीलिए जो नोमेनक्लेचर का काम था वो 1707 से 1778 में किया था। क्लासिफिकेशन क्या करती है, सारे जीवों को ग्रुप में डालती है, वर्गीकरण का मतलब ही है।
बैक्टीरिया एक ग्रुप में, फंगस एक ग्रुप में, ये सब एक एक ग्रुप में डालते हैं। एक होता है डोमेन, किंगडम, फिर होता है फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड देन स्पीशीज। डोमेन बेटा आप लोगों के लिए नहीं होता, आप लोग डोमेन नहीं पढ़ते हो, आप लोग यहाँ से पढ़ते हो। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ठीक है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। जीनस और स्पीशीज से मिलकर क्या बनता है बेटा? नाम बनता है, जो वैज्ञानिक नाम बोलता है। नाम की जरूरत क्या पड़ी? हमारे यहाँ गुलगप्पों को क्या बोलते हैं बेटा? हमारे यहाँ तो गोलगप्पे बोलते हैं, सॉरी, आपके यहाँ पर घर के पास में गोलगप्पों को क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ गोलगप्पे बोलते हैं भाई, बाहर चले जाओगे। हाँ अभय त्रिपाठी, बिल्कुल इंट्रोडक्शन से शुरू कर रहे हैं यार, आज थर्ड क्लास हुई है सर। पानी का पतासा है ना अरुण, अनंत पानी पूरी, वेरी गुड, जतिन पानी पूरी बोलते हैं, ऐसे कहीं पर पुचका भी बोलते हैं, पुचका, फुलकी, फुलकी मैंने पहली बार सुना। जयप्रकाश कहाँ बोलते हैं बेटा फुलकी? आयाती बेटा बायोलॉजी की क्लास चल रही है, द क्लास इज स्पेशली फॉर डिफेंस, तो ये डिफेंस के लिए आप लोग की क्लास चल रही है, आज थर्ड लेक्चर हो रहा है, तो आपका बिल्कुल इंट्रोडक्शन से शुरू कर रहे हैं। साथ साथ में मॉक में आपका अन अकेडमी पर लेती जाती हूँ, अन अकेडमी के चैनल पर आपका मॉक चलता रहता है, तो आप लोगों को जो यहाँ पढ़ाती हूँ वहाँ उसका टेस्ट ले लेती हूँ, तो आप लोगों का कवर हो जाता है, और साथ में प्रीवियस ईयर में कराती रहती हूँ। ठीक है भाई, बड़े से शहर का नाम बता जिसका नाम मैं जानती हूँ, उसे और है, मेरे को तो समझ ही नहीं आएगा। अब अगेन अगर आप यूएस चले जाओ, गांव के लोग यूजुअली नहीं खाते हैं अरुण, अच्छी बात है, वेरी गुड। अगर हम यूएस चले जाए तो इसको बोलते हैं भाई वाटर बॉल्स। अब तुम दिल्ली आओ, दिल्ली आकर के गोलगप्पे वाले भैया को बोलो भैया वाटर बॉल्स खानी है, देकर ही मारेगा तुम्हें कि पागल हो गए क्या मांगे जा रहे भाई यहाँ से, है ना? तो एक ही चीज के इतने सारे नाम, तो हम लोगों को क्या करना पड़ा, उसको एक ही नाम में कन्वर्ट करना पड़ा, जिसे हम बोलते हैं साइंटिफिक नेम। देखो नीचे आते जाओगे स्पीशीज में सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा है। किंगडम बेटा, किंगडम एनिमेलिया के अंदर हम भी आते हैं, किंगडम एनिमेलिया में कॉकरोच भी आता है, किंगडम एनिमेलिया में कुत्ता भी आता है, किंगडम एनिमेलिया के अंदर आपका फिशेज भी आती हैं, पर हम अलग है ना मछलियों से, वो अलग कहाँ आएंगे, हम लोग अलग आएंगे, फैमिली में अलग आएंगे, ऑर्डर में। जैसे जैसे हम नीचे जाते जाओगे स्पेसिफिसिटी बढ़ती जाएगी। अरुण तू जहां बोलेगा बेटा तुझे मैं बाहर ले जाऊंगी खिलाने, मैं बना के शक्ल लेके लगता है मेरी, मैं ये सब बना पाऊंगी? कैसी बातें करते हो यार तुम लोग, बिना मजाक करने के लिए मैं ही मिलती हूँ, वो भी सुबह ही सुबह, है भाई? चलो आगे बेटा, ये क्वेश्चन आपके सामने है, जब मैंने प्रीवियस ईयर कराया था तब मैंने आपको पढ़ाया था, बीच में से क्लास गायब करके पूछेंगे यहाँ पे क्या आना है, बीच में से फैमिली गायब कर देंगे पूछेंगे क्या आना है, किंगडम फाइलम डैश ऑर्डर बताओ क्या आना है, हायरार्की कौन सी सही है कौन सी गलत है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। बायनोमियल नोमेनक्लेचर, दो नाम देने का सिस्टम, बायनोमियल मतलब बाय मतलब टू, नोमियल मतलब नाम, नोमेनक्लेचर मतलब सिस्टम ऑफ नेमिंग। ठीक है,
जितने भी साइंटिफिक नेम्स होते हैं बेटा, सबसे पहली चीज दे आर ओरिजिनेट फ्रॉम लैटिन, लैटिन भाषा से ओरिजिनेट होते हैं। जल्दी से मुझे बताओ लैटिन भाषा कहाँ की है? लैटिन भाषा कहाँ की है? कौन से देश में लैटिन भाषा बोल जाती है? क्योंकि बेटा जब हम लोग नाम रखने लगे ना, तो क्या हुआ, नाम रखते वक्त हम लोगों को समझ ही नहीं आता कौन सी भाषा से ले। भारतीय लोग बोलने लगे हिंदी, कुछ लोग बोलने लगे इंग्लिश, कुछ लोग बोलने लगे भाई हमारी भाषा लो। तो धीरे 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 सबकी जो भाषा थी ना वो कॉमन होने लगी। फिर इन लोगों ने इन लोगों ने मिलकर एक रूल बनाया, बोला जहाँ की पॉपुलेशन सबसे कम है उस कंट्री का हम लोग, उस कंट्री में जो भी लैंग्वेज बोली जाती है वो हम यूज करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए लैटिन का इस्तेमाल करने लगे। फटाफट मुझे ये बताओ लैटिन भाषा कहाँ इस्तेमाल होती है? इजिप्ट में? अरुण, मैं आप लोगों का वेट करूंगी सिलेक्शन होते ही। ठीक है, डिलीट क्यों करते हो? पढ़ तो चुकी होती हूँ यार, मैं मैसेज डिलीट कर देता हूँ। है जयप्रकाश, बनाऊंगी नहीं यार, आप जो खाओगे आपको मैं खिला दूंगी, आप उसकी टेंशन मत लो, बस मेरे से खाना मत खाओ बेटा। लैटिन इटली की भाषा है, इजिप्ट इटली। अब इतनी सारी प्रजातियों के लिए जब हमारे पास नाम कम पड़ गए बेटा, तो हम लोगों ने लैटिन के साथ साथ ग्रीक का भी इस्तेमाल किया। ग्रीक कहाँ की भाषा है? ग्रीक है बेटा ग्रीस की। कोई बात नहीं, आप ध्यान रखना। ठीक है, लैटिन इटली में यूज किया जाता है, ग्रीक भाषा है ग्रीस की। हम पहले लैटिन वर्ड से ओरिजिनेट करते हैं, लैटिन वर्ड में ढूंढते हैं, जब लैटिन वर्ड नहीं मिलता तो हम लोग ग्रीस वर्ड ग्रीक में लिखते हैं। आइदर लैटिन और ग्रीक, पहले ऑप्शन अगर आपने मार्क करना है तो लैटिन, अगर लैटिन ऑप्शन में नहीं होगा तो ग्रीक। ही एयरफोर्स का उसका नेवी SSR का क्वेश्चन है 2018 का। ठीक है जी, समझ में आया? आगे चलूं? यार वीडियो को लाइक करते रहा करो, पता लगता रहे मुझे। ठीक है, जतिन उसके लिए बेटा एयरफोर्स का नया बैच लॉन्च हो जाएगा, तब तक आपका खत्म हो जाएगा कोर्स। सिर्फ आप लोगों के कोर्स में सिर्फ मैं आपका 12 से 15 दिन का एयरफोर्स वाई का कोर्स लूंगी बेटा, फिनिश कर देंगे। डन, आगे चले। अब इसको लिखने का तरीका होता है यार, देखो ये रूल्स लिखे हैं, मैं तुम्हें वैसे ही बता देती हूँ। इसने रूल्स लिखे हैं, मैं तुम्हें अपने अपने आप बता देती हूँ। सुनो, दो शब्द से मिलकर बनता है, मैं ह्यूमंस का लिखती हूँ, होमो सेपियंस। दो शब्द से मिलकर बनता है, पहले शब्द को बोलते हैं जीनस, जीनस मतलब प्रजाति, स्पीशीज दूसरा वर्ड होता है, स्पीशीज इसको हम लोग बोलते हैं बेटा जाति। अब जरा इसमें देखिए, पहले शब्द का यानी कि जीनस का पहला अल्फाबेट मैंने कैपिटल लिखा है, स्पीशीज का पहला अल्फाबेट मैंने स्मॉल लिखा है। क्योंकि मैं हाथ से लिख रही हूं, इन दोनों को स्पेसिफिक अंडरलाइन करूंगी, स्पेशल अंडरलाइन करूंगी। अगर ये कंप्यूटर से लिखे जाते, जरा इन शब्दों को देखो दोनों को, अगर ये कंप्यूटर से लिखे जा रहे हैं तो ये देखो कैसे लिखे जा रहे हैं। ये जो भाषा है बेटा इसको बोलते हैं इटैलिक्स। आप ये देखो इस वर्ड में और इस वर्ड के फॉन्ट में अलग है। ठीक है, अलग कहाँ है? क्योंकि ये इटैलिक्स में लिखा जा रहा है बेटा, मैं हाथ से तो इटैलिक्स नहीं लिख सकती हूँ, तो इसलिए हम क्या करते हैं दोनों शब्दों को अलग अलग अंडरलाइन कर देते हैं।
कोई बात नहीं ओम प्रकाश बेटा, आप बाद में देख लीजिएगा, बाकी कल से टाइम पे आना है, ठीक है बेटा? इस संडे से कर दूंगी, पक्का पक्का। बिल्कुल सही अरुण, पेवोस क्रिटिकस बोलते हैं पिकॉक को, फैलिस डोमेस्टिकस कैट को, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर को, ऐसे बहुत सारे साइंटिफिक नेम होते हैं, ठीक है? जरा मुझे साइंटिफिक नाम बताओ, चिंपैंजी है और पैरामीशियम है, इसका डोमेन यू क्या रहा है? किंगडम एनिमेलिया, इसका प्रोटिस्टा, ये कॉर्डेट्स में आता है, ये सीलोफोरा में आता है, मेमेलिया है, सिलेटिया, ये प्राइमेट्स है, ये पैनिक्यूलिडे है, होम्यूनिडे है, पैरामिसिडी है, जीनस इसका पैन है, इसका पैरामीशियम है, स्पीशीज इसकी ट्रोग्लाइडाइट्स है, इसकी कॉर्डेटम है, जरा मुझे इसका साइंटिफिक नेम लिखकर बता दो। गौतम मुझे व्हाट्सएप कर बेटा, लिंक भेज दूंगी, ठीक है? क्या दिसंबर से जय? मैंगो का, मैंजी फिर इंडिका है, पहले फटाफट मुझे चिंपैंजी का बताओ, जल्दी से चिंपैंजी का साइंटिफिक नेम बताओ क्या होगा। अंडरलाइन कैसे करेंगे बेटा? देखो अगर मैं हाथ से लिख रही हूँ, मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर है तो इटैलिक्स एक फॉन्ट होता है, ऐसे आई करके टेढ़ा सा होता है, आई करके बना होता है, इस पर आप क्लिक कर दो, फॉन्ट इटैलिक्स में आ जाएगा। पर अगर नहीं तो आप लोग क्या कीजिए बेटा, अगर हाथ से लिखना है तो हाथ से कैसे लिखेंगे भाई? जैसे चिंपैंजी का मैं बताती हूँ आपको साइंटिफिक नेम, जीनस और स्पीशीज से बनेगा, तो क्या हो जाएगा इसका साइंटिफिक नेम? पैन ट्रोग्लोडाइट, यही बनेगा। अब इसको हम क्या करेंगे बेटा, स्पेसिफिकली स्पीच दोनों को अंडरलाइन कर देंगे, क्योंकि मैं हाथ से इटैलिक्स नहीं लिख सकती। बिल्कुल सही, ठीक है शैलेंद्र जी, पक्का। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, इटैलिक्स में लिखते हैं, डन। ये चिंपैंजी है, इसको तो आप जानते ही हो, हमारा भाई है ये, हमारे चाचे ताऊ मामा का बच्चा रहा होगा, कभी कजन ब्रदर है हम लोग का। ये हमारा पैरामीशियम है, पैरामीशियम शू शेप का नजर आता है, स्लिपर शेप का, इसलिए इसको स्लिपर स्लिपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं बेटा। ये कुछ इंपॉर्टेंट बायनोमियल नोमेनक्लेचर है, फ्रॉग का राना टिग्रीना, अब हेक्साडाइटेला नहीं करोगे आप, टिग्रीना करोगे। कैट का फेलिस डोमेस्टिका, हमारे इंडियन कैट होती है, कैनिस फैमिलारिस। हाउसफ्लाई का मस्का डोमेस्टिका, कोबरा का नाजा नाजा, कॉमन क्रैप यानी कि फिश का साइप्रिनस स्कॉर्पियो, और ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट्स है जैसे पी का पाइजम सटाइवम, सटाइवम में यू आता है सटाइवम, अनियन का एलियम सेपम, मैंगो का मैंजीफेरा इंडिका, वीट का ट्रिटिका मैस्टिवा, बनियन का फिकस बेंगालेंसिस, सोयाबीन का ग्लाइसिन मैक्स, जो इसमें नहीं है दैट इज नीम, नीम का मैं लिख दे रही हूँ, आजादी रचता इंडिका। ये क्वेश्चन है बेटा एसएससी सीजीएल का 2018, आजादी रचता इंडिका। डन, आजादी रचता इंडिका जब एसएससी में भी पूछा गया, उससे पहले ये पूछा गया था आपके इसमें आरआरबी एनटीपीसी में, ठीक है जी। बेटा इन सबको याद करना ही नहीं है, सो मैं एक बार ही आंख के सामने से निकाल लेना है, पढ़ लेना है, जब ऑप्शन में आएगा आप लोग मार्क कर लोगे, ऑप्शन में कंफ्यूजन नहीं होगा।
ठीक है, शैलेंद्र वो चिंपैंजी के लिए बोल रहा था भाई, मजाक। चलो अब साइंटिफिक नेम की जरूरत क्यों पड़ी? कॉमन नाम एक ही प्रजाति के बड़ा मुश्किल था और बहुत कंफ्यूजन होता था यार, तो इसलिए इसको बदला। बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या करता है? लैटिन का इस्तेमाल करता है, अनचेंजिंग लैंग्वेज है। ह्यूमंस को अगर होमो सेपियन कहते हैं तो ह्यूमंस को हम लोग हमेशा होमो सेपियन ही कहेंगे, नाम नहीं बदलेगा इसका, ठीक है। होमो सेपियन का मतलब क्या होता है? होमो सेपियन ह्यूमंस के लिए इस्तेमाल होता है, इसका मतलब होता है द वाइज, बुद्धिमान। इसका मतलब जो द वाइज होता है ये कौन सी भाषा में होता है बेटा? ये लैटिन भाषा में होता है द वाइज, यानी कि ये बुद्धिमान है। सबसे मॉडर्न बेटा होमो सेपियन है। होमो सेपियन एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको नहीं पता, ठीक है। जिस जो बच्चे अभी बायोलॉजी साइड से है, पीसीबी रहा 11th 12th में, वो लोग नहीं भूल सकते इसका नाम, पर जिन लोग को नहीं पता वो लोग क्या करेंगे, इसे भूल जाएंगे। पर इसका नाम आपने क्या करना है? बहुत याद रखना है, होमो सेपियन, ठीक है जी। बेटा ये हमारे पास एक वो होती है ICBN और ICZN, ठीक है। ICBN होती है, यार मैं किसी पूरे पेज पे लिखती हूँ, ICBN होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ऐसे ICZN होता है। जेड बॉटनी की जगह क्या आ जाएगा? जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। हाँ प्रशु मैं डाल दूंगी पीडीएफ, ठीक है, जब ये फिनिश हो जाएगा वो तब डालूंगी, अभी नहीं, पर हाँ मैं डाल दूंगी, ठीक है। IUCBN नहीं होता बेटा, IUCBN या IUZN, हाँ वो अलग होता है बेटा, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नोमेनक्लेचर, ठीक है। टेक्सोनॉमिकल एज का मतलब होता है बेटा कि मैंने आपको बोला ह्यूमन इतना ज्यादा इंटरफेरेंस कर रहा है ना, ह्यूमन का इंटरफेरेंस इतना ज्यादा है भाई गॉड कि सारी प्रजातियों को मार डाल रहा है यार। ये पूजा नहीं हो रही, बेल बजती है तो ये आवाज आती है और पूरे घर में गूंजती है, इसीलिए शायद। चलिए हम लोग इनको बचा के कैसे रखते हैं, क्योंकि अगर हम लोग इंसानों के हाथ में जान प्रजातियां दे दी जाए तो हम तो मार ही डालेंगे। तो सबसे पहले होती है बेटा हर्बेरियम शीट, जिससे हम प्लांट्स को बचा के रखते हैं। दूसरा होता है बॉटनिकल गार्डन। दोनों में अंतर क्या है? प्लांट्स को ही बचा रहे हैं। हर्बेरियम शीट्स पे हम प्लांट को सुखा के, आप लोगों को देखा होगा, आप लोग तो हो भी 12th क्लास में, आप लोग जब वैलेंटाइंस डे आता है या ऐसा कुछ आता है तो एक दूसरे को रोज देते हैं, फिर उस रोज को किताबों में छुपा कर रखते हैं कि हाय ये गुलाब मुझे उस दिन ऐसे दिन दिया गया था। याद आया? अनंत बच्चा मेरे को ना व्हाट्सएप कर देना बेटा, मैं आपको बता दूंगी। हम लोग को ऐसे अलाउड नहीं है बच्चे, इतनी बार वैसे प्राशु ने लिखा, वहां से आप कमेंट सेक्शन खोलोगे ना तो प्राशु ने बहुत बार लिंक दिया है, ठीक है। करते हो ना सुमित, पूरे फ्री टाइम मुझे देखते रहेंगे, देखो मेरे, ये लड़कियों का काम ज्यादा होता है, देखो मेरे को कितने गुलाब मिले, देखो, है ना। हिमांशु बेटा ध्यान रख और पहले रेस्ट कर, क्लास तो बेटा रिकॉर्डेड मिल जाएगी, पहले रेस्ट पूरा। तो हर वेरियम शीट्स में भी हम यही करते हैं, पत्तों को लाकर सुखा देते हैं, सुखाने के बाद उसकी
बुक्स में लगाते हैं और लगाने के बाद में उसके बारे में लिखते हैं। बॉटनिकल गार्डन बेटा जिंदा पौधों को उगाना, नए नए पौधों को उगाना। म्यूजियम आप सबको पता है म्यूजियम में क्या होता है बेटा, म्यूजियम में हम लोग हड्डियाँ या बचा कुछ अवशेष ये सब रखते हैं। की क्या होता है बेटा, इन सब में ये सब काम कहाँ हो रहा है उसका ध्यान रखने के लिए। फिर होता है जूलॉजिकल गार्डन, जिसको आप नॉर्मल टर्म्स में जू बोलते हो, ये बनाता है। भाई तूने गलत कॉलेज में एडमिशन ले लिया शैल, बेकार, चेंज कर ले अपना कॉलेज। इतना ज्यादा दुखी हो रहा है तू, पता ही नहीं था मुझे। रोना नहीं है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, समझ सकते हम तेरा दुख। ठीक है बेटा, अब हम लोग ये पांचों टाइप्स इन डिटेल पढ़ेंगे। हाँ बेटा, वो स्पेसिमेंस होते हैं, वो अलग चीज होती है, वो भी बताऊंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर आज इस क्लास को यहीं फिनिश करती हूँ। मिलूंगे आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, यानी कि देखो बेटा मंडे टू फ्राइडे तो रहेगा टाइम सेम। कल मैं आप लोगों का रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ाऊंगी फिर से शुरू से, उसका लिंक भी मैं आपको भेज दूंगी। इस चैनल पे नहीं पढ़ाऊंगी, जहां भी पढ़ाऊंगी आपको लिंक मिल जाएगा। कल रिप्रोडक्शन पढ़ाना है, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगी, जिसको हम प्रजनन बोलते हैं। प्राशु फीवर कुछ भी नहीं होता बेटा, अगर मेरे पेट में कोई नस फट गई तो क्या मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, क्या मुझे पता लगेगा भाई नस फट गई, या मेरी बॉडी में कोई बैक्टीरिया एंटर कर गया मुझे कैसे पता लगेगा बैक्टीरिया घुस गया, कैसे बताऊंगी। तो बॉडी फीवर कर लेता है, फीवर होने से हमको पता लगता है। एक तो फीवर होने से वो टेम्परेचर बॉडी क्यों बढ़ाती है, ताकि टेम्परेचर बढ़ने से उस बैक्टीरिया को मार पाए, तो इसीलिए फीवर होता है। या फीवर जब भी चढ़ेगा आपकी बॉडी के इंटरनल किसी ऑर्गन में कोई दिक्कत होगी। फीवर कभी भी कोई बीमारी नहीं होता, फीवर का मतलब होता है कि वो एक आइडेंटिफिकेशन टेक्निक है कि आप लोग बीमार हैं। बिल्कुल बेटा 10 बजे क्लास है मंडे टू फ्राइडे, 8 से 9 रेगुलर चलेगी, 10 बजे से 11 या 11:30 या 12 जो भी मैं लूंगी वो मैं आपको बता दूंगी। बेटा रात का मॉक मैं लूंगी या नहीं लूंगी मैं ऑन दैट डे सुबह बता दिया करूंगी। अभी आपकी 10 से 11:30 क्लास है, जिसमें हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आयुपैक नेम पढ़ना सीखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए इस क्लास को भी फिनिश करती हूँ बेटा। अन अकेडमी पर 10 बजे से क्लास है, डन। 10 बजे से क्लास है, तो उम्मीद करूंगी सब लोग वहां पर जुड़ेंगे, ताकि हम लोग आयुपैक नेम कर सके। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में जो कि चलेगी अन अकेडमी पर। ठीक है जी, प्रमोद जाने के टाइम पे गुड मॉर्निंग कर रहा है, भाई आज तो बहुत लेट हो गया है ना। मैं पीडीएफ यही दे दूंगी बेटा। हाँ जी बेटा 10 AM में, अभी 10 बजे एक घंटे के बाद। बाय अरुण। बहुत सही, चलिए बाय बाय बेटा।